हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तिर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब और बहुत ही गजब का एक ऐसा सेशन दोस्तों जिसका आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। एग्जाम हमारे बहुत ही करीब है और इसके लिए हमें नॉन वर्बल रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो फटाफट से आज एक धमाकेदार सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्पीड रखिएगा स्टार्टिंग से ही और एक एक करके क्वेश्चन को ढंग से करते जाइएगा। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये दशरथ मांझी जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनकी पिक्चर भी आई थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो है बहुत ही बखूबी किरदार निभाया था भाई। तो मैं उसी चीज को आप लोगों के सामने दोहराना चाह रहा हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे तोहर हमार। ये बात हकीकत है, ये हर एक उस कैंडिडेट का दंगल है जो एनटीपीसी के एग्जाम में 28 तारीख को बैठने वाला है और डेफिनेटली 100% सिलेक्शन भी लेगा अगर वो कंटिन्यू इस सेशन को अटेंड करता है। रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर अब दोस्तों इस मॉक टेस्ट की सीरीज को और इन सेशंस को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में आने लायक ही कराए जाएंगे। सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम किया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल हो गया भाई प्रकाश जी। तो दोस्तों अन अकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ में। आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, साथ ही साथ दोस्तों फाउंडेशन बैच जो है अपना स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वर्बल रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया और आज है 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर से 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, जिसमें वाईफाई स्टडी की तरफ से एक सफलता बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया, जिसके अंदर अंकित सर, कृति मैम, मेरी, राहुल देशवाल सर और जो है संदीप केसरवानी सर, सभी की क्लासेस जो है आज से दोस्तों आप लोगों के लिए चालू हो रही हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट की सीरीज भी अपनी चालू हो रही है आज। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी में आप लोग बूस्टर ज्वाइन कर सकते हैं। इस बूस्टर कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। 7000 क्वेश्चन का ये जो बूस्टर कोर्स है दोस्तों, ये आप लोगों की CBT 2 तक कराया जाएगा। CBT 1 तक ही नहीं, तैयारी होगी पूरी CBT 2 तक। CBT 1 जो अभी चलेगा उसके बाद CBT 2 तक की तैयारी होगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे ज्वाइन कर लें। आज रात को धमाकेदार क्लास होगी अपनी, रात को 10 बजे। रेलवे कैटेगरी की जगह वो क्लास हो रही है अपनी SSC कैटेगरी में, आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। इसके अंदर करना क्या है, एक सीरीज दे रखी है और सीरीज में आपको फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ध्यान से देखना, ठीक है, इस सीरीज को आप लोग ढंग से समझिएगा और आपको फाइंड करना है कि उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। अब यहां पर अगर आप एक चीज समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्नर वाले ये जो 4+ हैं, ठीक है, ये तो सब में ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो अगली आने वाली जो सीक्वेंस होगी उसमें कॉर्नर वाले ये 4+ जो होंगे ये तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में से वो वाले ऑप्शन हटा दो जिसमें कॉर्नर वाले 4+ नहीं है। जैसे यहां पर देखिए कॉर्नर पे ये 4+ नहीं है तो ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इस जगह पर समझना, यहां पे साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है कि ये वाला जो माइनस है, देखिए ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, सब में कॉमन आ रहा है तो यहां पर ये वाला माइनस भी कॉमन आएगा। सही है कि नहीं? अब यहां पर देखिए ऊपर वाले चिन्हों में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला प्लस उठकर इस वाली जगह पर जा रहा है, फिर ये माइनस उठकर यहां पर आ रहा है। ठीक है, ये वाला माइनस उठकर यहां पर आ रहा है और ये वाला माइनस उठकर यहां जा रहा है, यानी इस तरीके की साइकिल चल रही है। क्या चल रही है? इस तरीके की साइकिल चल रही है। तो यहां पर देखिए ये वाला प्लस उठकर यहां, फिर ये माइनस उठकर, फिर यहां पर देखिए ये वाला प्लस तो यहां आ गया, फिर यहां जो माइनस है ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा, ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा और ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ऊपर चला गया, तीनों जगह माइनस हो गया। ये माइनस ऊपर, ये वाला माइनस इस जगह, ये वाला माइनस इस जगह, यानी इस पूरी लाइन में 3 माइनस हो गए, ये 3 माइनस हो गए।
फिर अब आगे वाला प्रोसीजर समझे हैं, तो सेम टू सेम यहां पर माइनस, ये प्लस इस बार नीचे आ जाएगा, प्लस इस बार नीचे आ गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस ऊपर चला गया, फिर ये माइनस और ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस और ऊपर चला गया, फिर ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा, तो ये वाला माइनस यहां आ गया। तो ये वाला सीक्वेंस देख लो कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा प्लस माइनस प्लस, देन यहां पर देखिए ये प्लस हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग, ठीक है। यहां पर तो दोनों साइड क्या आना चाहिए था, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस, देन माइनस प्लस हो रहा है यहां पर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उस समय का 2016 का जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो था नॉन वर्बल रीजनिंग का, वो आप लोगों के सामने लेकर मैं आ गया हूं। ध्यान से देख लेना, एनटीपीसी 2016 का सबसे बेहतरीन प्रश्न, ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम में आया था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब और बेहतरीन क्वेश्चन था वास्तव में उस समय का। बहुत कम, मात्र 5% लोगों से भी नहीं हो पाया था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग को अगर आपने हल्के में ले लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करना चालू कर देना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें वो कुछ सीक्वेंस दे देगा और वो पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। अमित भाई आप क्वेश्चन उठा के देखना, जो आपसे नहीं हो वो आप लोग मुझे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप वो जो पीडीएफ के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कौन सा सीक्वेंस दे रखा है, देखिए एक बार सर्किल जो है अंदर है, एक बार बाहर है, एक बार अंदर है, तो इस बार बाहर आएगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि सर्किल बाहर आएगा, जब सर्किल बाहर आएगा तो ए और बी ऑप्शन में तो अंदर है, इन दोनों ऑप्शन में बाहर। अब बात यह है कि देखिए इसको पकड़ के हमने ऐसे खड़ा कर दिया, लंबवत कर दिया, यानी हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको, फिर अगेन इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको ऐसे लंबवत किया तो अब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से घूम जाएगा। ये ऐसे घूम जाएगा, फिर ये देखिए इधर ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा तो कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी नहीं, कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये वाला शेप आपको फाइंड करना है कि ये वाली आकृति आपकी कहां पर निहित है, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। बताइए कौन सी आकृति है जो इसमें पूरी तरीके से समाहित हो रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन है, देखिए इधर यहां पर ये रहा, सी ऑप्शन को देखना, सी ऑप्शन को देखिए आप, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन चार ऑप्शंस में से, ये जो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रश्न आकृति में आप बना सकते हो। देखिए दो तरीके से प्रश्न आते हैं, दोनों प्रश्नों को ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक तो क्या पूछता है आपको, आकृति दे देता है, एक तो आपको आकृति दे देता है और वो पूछता है कि कौन से ऑप्शन में समाहित है, और एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो कि ये है कि आपको ऑप्शन में ढूंढना होता है कि उस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो शेप है वो आप प्रश्न आकृति में समाहित कर सकते हो। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करना। बताइए कौन सा बना सकते हो, रोहित कुमार ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, इन आंखों से उनकी तस्वीर को कैसे हटाएं, इस दिल से उनकी यादें कैसे मिटाएं, हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं, इन धड़कनों को उनके बिन अब कैसे चलाएं। भाई चलानी पड़ेगी, है ना, चलानी पड़ेगी, क्योंकि धड़कनें तो रुकने वाली नहीं है, वो तो वैसे भी चलती रहेगी, पर तुम इधर उधर ही डोलते रहोगे, सही है नहीं है। तो मेरे भाई पढ़ाई कर ले, ये इन चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़ी है,
धड़कने इधर उधर दिल वगैरह सब चलते रहेंगे बाद में। चलिएगा देखिएगा इधर, अब ये वाला शेप यहां पर देखना, चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिएगा 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 दोस्तों फटाफट से, अभी फिलहाल सब सारी चीजें साइड में, दिल फिल सब कोई मतलब नहीं है, सब बीमार है भाई। अभी सिर्फ फोकस करो दिमाग पे, वो एक्टिव रहना चाहिए, एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए। चलिएगा और भाई दिल में ज्यादा ही दर्द हो, टूट जाए ना, मेरे से फेविक्विक ले जाना भाई, चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल पढ़ ले। लेकिन चलिए भैया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये वाला शेप आपको कहां पे दिखाई दे रहा है ध्यान से देखना, ठीक है, इस वाली चीज को देखिएगा, ये लीजिए, ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था उस समय का दोस्तों, ठीक है, बहुत ही प्यारा, क्या मतलब बहुत ही गजब का क्वेश्चन था उस समय का ये, ठीक है। होने को तो ये 10 सेकंड के अंदर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग सोचने पर मजबूर भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। उसने पूछा था कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बताइए इसके अंदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बताइए इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, इस वाले शेप के अंदर। अब आपको ऑप्शंस की तरफ हमेशा देखते हुए चलना है। अब यहां पर एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है मोर देन 23, यानी जहां आपने 24 गिन लिए ना, 23 से एक ज्यादा यानी 24 गिन लिए, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपका, और नहीं तो फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन आपको दिमाग में इस ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो चीज देता है ना, ये वाली चीज मोर देन 23, यानी जहां पर आपने 24 गिन लिया ना, यानी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है नहीं? तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के आपको करने की आवश्यकता है। अब आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं और समझा चुका हूं कि जब भी इस तरीके का कोई शेप दिखे ना, जिसके अंदर दो माध्यिकाएं ऐसे क्रॉस कर रही हो, ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा 8 त्रिभुज बनते हैं। दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो अंदर 8 त्रिभुज बनेंगे, 3 तो ये हो गए, एक इस खाली वाले भाग के साथ बनाएगा 4, ये 3 इस खाली वाले भाग के साथ बनाएगा, कितना हो गया 5, ठीक है, फिर ऐसे ही 1 और 2 मिलकर बनाएंगे 6, 2 और 3 मिलकर बनाएंगे 7, और एक बड़ा वाला, हमेशा याद रख लो आप, तो इसके अंदर 8 बनते हैं। तो क्या ये वाला शेप आपको दिखाई दे रहा है क्या मेरे भाई? ये रहा दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इधर देखिए ये वाला शेप देखना, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला शेप, और ऐसा ही शेप नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाल वाला फिगर मैंने बनाया है, इसके अंदर 8 तो यहीं पर हो गए। अब 8 यहीं पर हो गए तो मैं आगे की गणित को समझाने के लिए आपको यहां पर देखिएगा, इधर समझिएगा, 8 के बाद ये हो जाएंगे 9, ये 9 हो चुके, ये 9 हो चुके हैं, और ये वाला हो गया है 10, ये हो गया है 10, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, 8 तो यहां पर हैं, 8 तो इस जगह पर हो गए, 8 के बाद ये 9, ये वाला हो गया 10, फिर ये 9 इस पास वाले के साथ मिलकर बनाएगा, ये हो जाएगा 11, ये इस वाले के पास वाले के साथ मिलकर बनाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर ये पूरा बनाएगा इसके साथ में, ये हो जाएगा 13, और फिर ये इधर से भी पूरा बनाएगा तो ये हो जाएगा 14। अगर 14 ऊपर बन रहे हैं तो सेम टू सेम 14 नीचे वाले शेप में भी बनेंगे, सिमेट्रिक आकृति है भाई, ध्यान से देख लो, अगर 14 ऊपर बनेंगे तो 14 नीचे भी बनेंगे, सिमेट्रिक आकृति है, तो 14 प्लस 14 तो वैसे भी 28 हो गए ना, और 28 23 से ज्यादा है कि नहीं है, तो आंसर कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया भैया? डी ऑप्शन हो गया। फटाफट से थम्सअप कर देंगे एक बार, यस सर समझ में आ गया सारी चीजें। आगे चलते हैं, यहां पर धमाकेदार मॉक टेस्ट की फॉर्म में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और यहां पर गिनने की आपको कुल कितने आए थे, ये एक बहुत ही प्यारा, ये दोनों क्वेश्चन बीच में नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ ही कराने का मेन मकसद मेरा ये है कि आप साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी कर लें जो 2016 एनटीपीसी के सबसे दमदार क्वेश्चन रहे हुए हैं, ठीक है, एनटीपीसी 2016 के अगेन एक और दमदार क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन था, किस आकृति में कुल आयतों की संख्या ज्ञात करके बताइए।
मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से बता दो, चीजें क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर आयत गिनने, एक चीज हमेशा याद रख लेना, पट्टी के अंदर आयत गिनना आप सभी को आता है, कभी भी इस तरीके की पट्टी दे रखी हो एक साथ, ठीक है, तो शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको करना कुछ नहीं है, आप सभी के अंकों को मतलब सभी खंडों को अंक देकर जोड़ देते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है, एक दो तीन चार है तो चार से मिलकर 10 आयत बनेंगे इस पट्टी के अंदर, और वैसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ शेप मेरे को यहां पर भी दिखाई दे रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखिए, ये अगर पट्टी ले लूं मैं पूरी, सिर्फ इस पे फोकस करना जो मैं ले रहा हूं अभी फिलहाल, ये पट्टी जो ले रहा हूं इस पे फोकस करिएगा आप, ये देखिए इसके अंदर गिनती दीजिए आप, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो चार से मिलकर कितने हो गए, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, चार से मिलकर कितने हो गए, दस, दस तो ये हो चुके, सही है नहीं, एक दो तीन चार, चार से मिलकर दस तो ये हो गए, दस के बाद अगर आप ध्यान से देखें इन चीजों को समझें तो यहां पर देखिएगा, दस के बाद अलग से कौन सा बन रहा है, दस के बाद ये बन रहा है ग्यारह, ये बन रहा है बारह, सही है, और ये बन रहा है, ये बन रहा है तेरह, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, दस तो ये हो गए, दस तो ये हो चुके हैं यहां पर, दस के बाद ये ग्यारह, ये बारह, ये तेरह, पर अब इसको ध्यान से भी देखना, तेरह इस पास वाले के साथ मिलकर ये बनाएगा तो कितने हो गए, चौदह हो गए, कितने हो चुके हैं, चौदह हो चुके हैं, सही है नहीं है, ये चौदह हो चुके हैं आपके, चौदह के बाद आप ध्यान से देखिएगा इसको, चौदह के बाद ये बारह इस तीन वाले के साथ मिलकर बनाएगा, बारह इस तीन वाले के साथ मिलकर बनाएगा, सही है, ये कितने हो गए पंद्रह, ये कितने हो चुके हैं पंद्रह, ठीक है, ये पंद्रह हो चुके हैं, इसी तरीके से ये ग्यारह, ग्यारह भी तीन वाले के साथ मिलकर बनाएगा, ग्यारह भी तीन वाले के साथ मिलकर बनाएगा, तो ये हो जाएंगे सोलह, सही है, ये सोलह हो गए, अब ये तीनों मिलकर भी तो आपस में मिलकर बनाएंगे, ये तीनों आपस में मिलकर भी तो बनाएंगे भाई, जब ये तीनों आपस में मिलकर भी बनाएंगे तो ये हो गए सत्रह, कितने हो गए, ये सत्रह हो चुके, ठीक है, क्या इन सत्रह के अलावा और कोई बना सकते हो आप, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, हम ये सत्रह बना सकते हैं क्योंकि इन चारों से मिलकर दस तो ये हो गए, तो टोटल सत्रह बनेंगे, और सत्रह एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए, सेवनटीन आपके एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बेहतरीन दोस्तों, बिल्कुल सही गिना आपने, ठीक है, सत्रह इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे जल्दी से इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करके बताइएगा, ठीक है, कुल वर्ग कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले तो बड़ी आकृति को हम छोटी आकृति में विभाजित कर देंगे, कैसे विभाजित कर देंगे, ये देखिए इस तरीके का शेप बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है, ये लाइन बन रही है, ठीक है, और ये बॉक्स बन रहे हैं इस तरीके से, एक दो ये तीन, सही है, तो अब इसके अंदर देखना कुल वर्ग कितने हैं, जल्दी से देखिएगा, एक दो तीन चार, और इधर बन रहा है एक दो तीन, अब अगर वर्ग निकालने हैं, स्क्वायर्स निकालने हैं, तो आप लोग गिनती जानते हो कि ऊपर से नीचे आने वाला सबसे बड़ा अंक और बाएं से दाएं जाने वाले सबसे बड़े अंक को गुणा कर देते हैं, चार तिया कितना हो जाएगा बारह, अब इनको तब तक गुणा करते जाएंगे जब तक गुणा में एक नहीं आ जाता, तो चार से एक कम करेंगे तीन, तीन से एक कम करेंगे दो, कितना हो गया छह, फिर तीन से एक कम करेंगे दो, दो से एक कम करेंगे एक, कितना हो गया दो, जहां पर गुणा में एक आ जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे, इनको जोड़ दो पहले तो पीछे वाले को, बारह और छह कितने अठारह, और दो कितने हो गए बीस, तो भैया बीस वर्ग तो यही है, अब बीस वर्ग ये हैं, तो क्या बीस के अलावा कोई वर्ग बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है, देखिए कहां पर बन रहा है वर्ग, बीस के अलावा अंदर एक बन रहा है, बीस के अलावा ये बन रहा है, कितना हो गया 21, 21 के अलावा भी बन रहे हैं अभी, 21 के अलावा भी बनेंगे, देखिएगा ये एक बन रहा है 22, इधर एक बन रहा है, इधर एक बन रहा है, ध्यान से देखना 23, तो टोटल कितने बनेंगे 23 इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर होगा 23, जिस किसी ने 21 गिने हैं तो मेरे भाई एक बार फिर से गिन लेना शांति से, अच्छे से, आराम से, कितने बनेंगे टोटल 23,
चलिएगा अभी इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन दोस्तों इतना प्यारा और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं अगर आप इनकी भी रिवीजन करके चले जाते हो तो इतना आइडिया आपको हो जाएगा कि रेलवे आखिर देता क्या है और एनटीपीसी उसमें क्या देता है, क्योंकि एनटीपीसी का लेवल ही थोड़ा सा टफ लेवल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखें आप, ये जो पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट को देखें, ठीक है, यानी ये जो त्रिज्या है, अगर इस त्रिज्या से एरो की तरफ जाएं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। इस त्रिज्या से, ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या से अगर एरो की तरफ जाएं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, सही है। नहीं, यहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है इस त्रिज्या से अगर एरो की तरफ जाएं तो यहां एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, पर यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रोल ही नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में। वैसे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रोल देखते हो आप लोग, पर इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रोल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल दिया ही नहीं है, यहां पर सीधा सीधा 180 डिग्री का एंगल दे दिया। तो मुझे देखते ही समझ में आ गया, मुझे कहीं पर भी किसी भी तरीके से घुमाने की आवश्यकता नहीं है भाई। इसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं है, यहां पर 180 डिग्री का एंगल है, तो कौन सा अलग हो गया, डी वाला अलग हो जाएगा, कौन सा अलग हो गया, डी वाला ऑटोमेटिकली अलग हो गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन, सीधा सा लॉजिक था, कुछ नहीं था इस लॉजिक में। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, यहां पर आकृति फाइंड करनी है आपको, क्या आकृति आएगी, देखिएगा इधर, यहां पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है यहां पर व्हाइट, यहां पर आ रहा है ब्लैक, यहां पर क्या हो गया ब्लैक, यहां पर क्या आ रहा है व्हाइट, ठीक है, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक। तो अगला जो भी बॉक्स आएगा पहले तो उसको समझते हैं कि वापस से क्या बनेगा, ये वापस से बनेगा ब्लैक और ये बनेगा व्हाइट, यानी कि यहां पर बनेगा व्हाइट और यहां पर ब्लैक, क्योंकि अगले वाले पे फिर से यहां पर ब्लैक और यहां पर व्हाइट बन रहा है। तो पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह वाला पोर्शन आपका ब्लैक बनेगा, सही है, नहीं अपोजिट वाले आपके ब्लैक बनेंगे ये, ठीक है। तो पहले तो यह देखो कि ऐसे ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको इस तरीके, इसमें तो देखो इसमें तो सारे ही व्हाइट हैं, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, इसमें देखिए यहां पर यह भी सारे ही व्हाइट हैं, तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी आपका आंसर पहले वाले में से या फिर थर्ड वाले में से बनेगा, सही है, नहीं है। अब आप यहां पर देखें तो ये सर्किल से, ठीक है, ये इसके अंदर कितने भाग हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें चार भाग बन रहे हैं, तो इसमें कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 भाग, इसमें 6 भाग बन रहे हैं। इसके अंदर देखें कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 10 भाग बन रहे हैं, इसमें 10 भाग बन रहे हैं भाई, सही है, नहीं है। अब यहां पर देखिए 4 भाग 6 भाग 10 भाग, तो यहां पर समझ में आ गया कि यहां पर 8 भाग बनेंगे, और 8 भाग भी कैसे, सर्किल आप स्क्वायर से कहां पर जा रहे हो, सर्किल पे, तो फिर अगेन क्या आ जाएगा, अगेन क्या, यहां पे स्क्वायर आ रहा है अगर, तो यहां सर्किल, तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तभी तो यहां पर क्या आ रहा है, सर्किल आ रहा है, तो स्क्वायर वाला अपना आंसर होगा, सही है, नहीं है। और वो भी कितने, 8 स्क्वायर वाले अपने आंसर होंगे, तो ये सर्किल वाला तो अपना आंसर वैसे भी नहीं होगा, 3 वाला कौन सा बनेगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखिए ये अपना आंसर आ जाएगा, कौन सा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से अगला वाला याद करके बताइए। एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज आ गया फिगर में, एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, आपको उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है और चेक करना है। मैं कह रहा हूं कि 3 तरीके के शेप मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, फिर अगली वाली में भी सेम वही, चाहे पोजिशन कोई सी भी हो, शेप वही 3 है, फिर अगली वाली में भी फिर वही शेप आएंगे ना भैया, 3 शेप आएंगे। तो देखिए ये वाला शेप अपन को यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये तो नहीं आएगा, सही है, नहीं, ये वाला शेप अपन को ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो ये शेप भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब लास्ट वाले में अगर देखें तो कौन सा शेप आएगा, ये वाला शेप आएगा, और जिस वाले शेप के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल दे रखा है, तो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सर्किल के अंदर सर्किल है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है,
सर्किल के अंदर सर्किल तो है पर यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा बनेगा जिसमें टच नहीं होगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बेस्ट कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगने वाला जो कंसेप्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए उन चुने हुए क्वेश्चंस को लेके आया हूं जहां पर आपको समस्या होगी, जहां पर आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 का धमाकेदार एक और क्वेश्चन। ठीक है हेमंत सिंह, डन है। देखते हैं क्या आंसर करते हैं आप लोग। आप लोगों का आंसर आ रहा है 1, 4, 3। घनीमत है कि दो किसी का आंसर नहीं आ रहा, लेकिन 1, 4 और 3 तीन आंसर तो आप लोग दे ही रहे हो, जिसमें से 2 आंसर भी देखने को मिल गया फिलहाल। ठीक है 1, 2, 3, 4 चार ही ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन आप लोगों के आंसर्स में आ रहे हैं। सोच लो समझ लो ढंग से कर लो मेरे भाई, क्योंकि मैंने कहा ना वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर लगने वाला। ठीक है बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, और अगर मैं एग्जामिनर होता अगर डेफिनेटली मुझे पेपर बनाना होता और मेरी नजर में अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं देता ही देता, इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली देता। अब यहां पर ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन के अंदर आखिर चल क्या रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि इनकी जो रिप्स हैं, रिप्स मतलब ये जो पीछे की रिप्स हैं, ठीक है ये पीछे की जो रिप्स हैं, इसमें इसमें ये खंड कितने कितने रिप्स आ रही हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 इसमें 4 हैं, इसमें कितनी रिप्स हैं 3 हैं इस वाले एरो में, और इसमें पीछे कितनी रिप्स हैं 2 रिप्स हैं। तो यहां पर समझना सीक्वेंस क्या चल रहा है कि इसके अंदर आ रही हैं 4 रिप्स, फिर इसमें आ रही हैं 3 रिप्स, इसमें आ रही हैं 2 रिप्स, ठीक है 4, 3, 2 इस तरीके से रिप्स चल रही। फिर अगला इस वाले के अंदर समझते हैं, इस वाले के अंदर कितनी है, इस वाले के अंदर यहां कितनी है 3, यहां कितनी है 2, यहां कितनी है 1, तो इसके अंदर चल रही है 3, 2, 1। ठीक है ध्यान से देखना यहां पर सीक्वेंस क्या चल रहा है, 4, 3, 2 यानी -1, -1 ये खत्म हो गया कोटा। इसके अंदर फिर इसके अंदर भी सेम यही चल रही है -1, -1 4, 3, 2, 3, 2, 1 तो फिर अब यहां पे अगला वाला देख लो, अगला वाला सीक्वेंस के अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है 2, 1 यानी अगर यहां चल रहा है 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो ये ले लेते, यहां चल रहा है 2 तो यहां चलेगा 1 तो यहां चलेगा 0, यहां पे 0 रिप्स होंगी, यानी अगला वाला जो भी आएगा उसमें 0 रिप्स होंगी। अगर अगला वाला जो भी आएगा उसमें 0 रिप्स होंगी तो 0 रिप्स कितने ऑप्शंस में हैं? अरे 0 रिप्स कौन से ऑप्शंस में है, यहां पर तो 1 रिप आ रही है तो ये तो वैसे ही रहो, यहां पर 0 रिप्स आ रही है, यहां पर 2 रिप्स आ रही है ये भी रहो, तो मेरे भाई पहला और तीसरा आंसर आप कर कैसे सकते हो? पहले तो सीक्वेंस में ये तो समझो पहले कि आखिर चल क्या रहा है इसके अंदर, इसके अंदर चल रहा है 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0 यानी इसके अंदर लास्ट में कोई भी रिप नहीं आनी चाहिए। अब फर्क इतना है कि इसमें साउथ की तरफ जाता हुआ बनेगा एरो या फिर नॉर्थ की तरफ जाता हुआ एरो बनेगा, आंसर तो सेकंड या फोर्थ में से ही एक बनेगा। अब यहां पर चीजों को अगर समझें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा रहे हैं, एरो की साइज कैसे घूम रही है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए दिशा घूम रही है। आप ध्यान से देखिए चीजों को समझिए, ये है ठीक है ये एरो है, ये 90 डिग्री से घूम गया है देखो घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री से घूम गया। फिर इसको देखो, इस एरो को फिर से आप अगले वाले पे गए तो आपने घुमा दिया 90 डिग्री से, यानी दोनों बार 90 डिग्री से घूम रहा है। अब यहां से अगर चालू करें कि ये साउथ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है तो 90 डिग्री से घुमाएंगे, जब 90 डिग्री से आप इसको घुमाओगे तो 90 डिग्री से किधर घूमेगा, ये
90 डिग्री से इधर घूमेगा, ठीक है, किधर, वेस्ट की तरफ, तो ये वेस्ट की तरफ हो गया। अब ये वेस्ट की तरफ है, फिर 90 डिग्री से घुमाना है, तो फिर 90 डिग्री से घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो भैया एरो किधर की तरफ बनेगा, नॉर्थ की तरफ जाता हुआ बनेगा ना, और नॉर्थ की तरफ जाता हुआ यानी कि फोर्थ ऑप्शन बनेगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं बनेगा। समझ में आया है नहीं आया, पूरा समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था, और आंसर इसका बनेगा फोर्थ। चलिए अनादर वन, अनादर वन बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, अनादर वन बेस्ट कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, सीक्वेंस दे रखी है, ऐसा लग रहा है कि पतंग वतंग बना के दे रखी है, उसी के शेप्स दे रखे हैं, और ये ऐसा, ठीक है। चलिए सोचिए, सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, वन आंसर आ रहा है, टू आंसर आ रहा है, वन टू थ्री फोर दोनों के आंसर आ रहे हैं भाई। चलो भाई इधर देखते हैं, अब यहां पर पहले वाले सब देखो, सीक्वेंस और सीरीज के अंदर दो टाइप के पैटर्न होते हैं, या तो सीक्वेंस पूरी फॉलो हो रही हो, या फिर आप लोगों को फाइंड करना होता है स्टार्टिंग के दो में जो रिलेशन है, देखना ध्यान से, स्टार्टिंग के दो में जो रिलेशन है, अगर वही रिलेशन आप लास्ट के दो में फाइंड कर लेते हो तो भी चीजें समझ में आ जाती है, चीजें चलती हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये एरो का साइन, ये जो किधर की तरफ खुल रहा है, अंदर की तरफ खुल रहा है, ये अंदर की तरफ खुल रहा है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है, लेकिन ये कौन सा, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है, तो जो बाहर की तरफ है इसको देखना आप ध्यान से समझना, ये देखिए इसको देखिए, जो बाहर की तरफ देख रहा है यानी जो बाहर की तरफ ओपन है, कटोरी बाहर की तरफ खुली हुई है, तो इसको पकड़ के अगर आप, इसको पकड़ के अगर आप देखिए राइट साइड पर जाते हैं, राइट साइड पर यहां पर यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यूं बोल सकते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितनी बार, दो बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिएगा इसको पकड़ के यहां पर गए ये है, और फिर इसको पकड़ के यहां पर अगले वाले पर गए ये है, तो अगले आने वाले जो भी दो स्लॉट होंगे, अगले आने वाले दो स्लॉट में से पहला वाला ये और दूसरा वाला ये दोनों ओपन हो जाएंगे, तो देखिए ये दोनों ओपन हो गए कि नहीं हो गए, ये देखिए ये दोनों ओपन हो गए कि नहीं हो गए। अब यहां से यहां पर अगर आपको सेम लॉजिक लगाना है तो देखिए ये तो भैया अंदर की तरफ देख रहा है, ये अंदर की तरफ देख रहा है, ये अंदर की तरफ देख रहा है, ये किधर है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसको पकड़ लिया आपने, जो बाहर की तरफ वैसे ही है कटोरी, उसको पकड़ लिया। अब इसको भी घड़ी की दिशा में दो बार अगर मूव करते हैं, तो एक बार तो यहां और एक बार यहां, तो ये वाले ये जो दोनों हैं, ये दोनों अगले आने वाले जो दोनों स्लॉट होंगे वो ओपन होंगे, तो इनको ओपन कर दो, यानी ये ओपन बनेगा, ये ओपन बनेगा, ये दो ओपन बनेंगे, बाकी दो क्या बनेंगे, क्लोज बनेंगे, और बीच में क्या है, टिकली काली बिंदी, ठीक है। तो ऐसा शेप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है मुझे ये बता दो, कहीं पर है क्या ऐसा शेप, बिल्कुल है, कौन सा वाला, थ्री वाला, कौन सा बनेगा, थ्री वाला, थ्री इज द करेक्ट आंसर, विच वन इज करेक्ट, थ्री इज द करेक्ट। मजा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों, फटाफट से बता दो, बेस्ट कंसेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
चलिए करिएगा। अरे भैया, जो बाहर की तरफ देख रहा है, जो खुला हुआ है, उसके बाद आने वाले जो दो हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में देखो, उसके बाद आने वाले जो दो हैं उनको ओपन कर लो। सही है? नहीं, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये आ रहा था, तो इसको क्या करा, ये वाला ओपन है ऑलरेडी, तो इसके बाद आने वाले दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको ओपन कर दो, बाकी क्लोज हो गए। सही है? नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो साफ साफ चीजें समझ में आ रही हैं कि यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रखा है चीजों को। क्या कर रखा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रखा है, ये यहां से यहां मूव हो गया। तो अब यहां से यहां अगर आपको मूव करना है तो आप भी यहां पे मूव कर दीजिए। देखिए किस तरीके का सीक्वेंस बनेगा, देखिएगा। तो स्टार तो है ही सर, यहां आ जाएगा सर्किल, यहां माइनस, यहां पे प्लस, इधर स्क्वायर बॉक्स और ऊपर ही ऊपर ट्राइंगल। तो कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर ही ऊपर ट्राइंगल है। खत्म हो गई पिक्चर, डी ऑप्शन, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये वाला शेप फाइंड करके बताइए कहां पर दिखाई दे रहा है। ये रहा, ये वाला शेप हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले। चलिए, ये वाला शेप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, कहां पर अंतर नहीं थे, ये वाला शेप हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ये वाला शेप हमें कहां दिखाई दे रहा है? ये वाला शेप हमें इस जगह पे दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। ये भी ट्राइंगल कहां पर दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में। ये शेप कहां पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से देखें, तो ये शेप यहां पर दिखाई दे रहा है। तुरंत एक एक सेकंड में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो इन इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये देखिए इस तरीके के शेप को, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट इसको देखिए, इस जगह को देखना, ये वाला कहां पर है शेप? ये वाला शेप ए ऑप्शन में है। ये देखिए, ये चंद्राकार और ये इस तरीके का शेप बन रहा है, ठीक है। चलिएगा, ये वाला शेप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से देखिए। कौन सा बनेगा? थ्री वाला। चलिए इस आकृति को पूरा करिए, इस आकृति को पूरा करिए। जब इस आकृति को आप यहां से पूरा करेंगे तो ये शेप इस तरीके से बनेगा और यहां पर ये आएगा बिंदी। तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो कौन सा बनेगा ये आपको देखना है, किस तरीके का बनेगा। ये लंबवत ज्यादा होना चाहिए, तो लंबवत ज्यादा है, लास्ट वाला बनेगा, ठीक है, थर्ड वाला नहीं बनेगा। चलिए इस वाले शेप को करके बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डू फास्ट, करते जाइए फटाफट से। अब यहां पर देखना, इस वाले शेप के अंदर भाई ये तो हो नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है, हमको इसको बनाना है ना। इसको देखना, तो ये वाला शेप तो नहीं होगा और ये वाला शेप भी नहीं होगा, बचे ये दोनों शेप। अब आप अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की सीक्वेंस बराबर है, ये सिमेट्रिक आकृति है, ये भी इसके सिमेट्रिक है और ये भी इसके सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक आकृति से संबंधित है। जब सिमेट्रिक आकृति से संबंधित है तो देखिए, ये वाला पोर्शन तो बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये दोनों बराबर है, देखिए, ठीक है। तो कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला देखना भाई, इधर है ईस्ट, इधर है साउथ, मतलब ये एक बार ईस्ट फेस है, नीचे वाला साउथ, फिर ये नॉर्थ, तो बचा कौन सा है? वेस्ट बच रहा है। तो जो भी सर्किल आएगा उसमें कौन सा पोर्शन ब्लैक होगा? वेस्ट साइड पे आने वाला। तो कहां पर बनेगा भाई? वेस्ट फेस से रिलेटेड ए वाला। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इस आकृति को पूरा करना है, कंप्लीट दी फिगर। इस फिगर को आप लोग कंप्लीट करके बताइए क्या बनने वाला है। डू फास्ट, इस फिगर को कंप्लीट करिए, जल्दी से बताइए क्या बनेगा दोस्तों।
बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। सर्किल है तो भाई सर्किल तो आएगा ही, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स टाइप का शेप बन रहा है तो वो भी आएगा ही, ठीक है। इस तरीके की डिज़ाइन बन रही है, ये यहाँ पे हो गया। ये लीजिए, तो ये नहीं बनेगा, ये तीन है, ये पूरा बाहर तक जा रहा है, ये वाली लाइन कुछ है ही नहीं। बी वाला भी नहीं बनेगा, तो इसको देखो स्ट्रेट लाइन है, फिर इस तरीके से ये शेप यहाँ पर, और ये यहाँ पर सीधी लाइन आ गई, तो ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लास्ट वाला डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बेहतरीन नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आप देखिएगा इधर, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, ये आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं मैं, 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, शाम को 6:30 बजे मात्र आधे घंटे का मॉक टेस्ट होगा, तो आप लोग मॉक टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। डेली अपने रूटीन में डाल लीजिए आधे घंटे का मॉक टेस्ट मेरे साथ में शाम को 6:30 बजे, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है उन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर सकें जहां पर कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है, 6:30 PM पर डेली क्या होगा? मॉक टेस्ट होगा, रीजनिंग का मॉक टेस्ट। और हमको वैसे भी आधे घंटे में ही वहां पर पूरी रीजनिंग कंप्लीट करनी है, तो मॉक टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो है 30 मिनट। ये YouTube पर ही होगा, ठीक है। किस पर होगी ये क्लास? YouTube पर होगी, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। तो दोस्तों वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर शाम को 6:30 बजे मैं मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आता हूं, तो आज से स्पेशल मॉक टेस्ट की सीरीज में लेके आऊंगा NTPC और CHSL के लिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 से हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, ओके गाइस। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अन अकेडमी पर जबरदस्त इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक फाउंडेशन बैच है, ठीक है। इसके अंदर वर्बल रीजनिंग दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों की वर्बल रीजनिंग का बैच अपना चालू हो चुका है। अंकित सर की साइंस की क्लास आज से चालू हो चुकी है, ठीक है, और कृति मैम की जो हिस्ट्री की क्लास है वो भी आज से ही चालू हो रही है। मेरे मॉक टेस्ट 5000 मॉक टेस्ट की जो सीरीज है उसका टाइमिंग मैं बता देता हूं, 2:00 PM है, और वो भी आज से ही चालू हो रहा है SSC कैटेगरी के अंदर। तो सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाएगी, Deepu10 कोड लगाकर आप अन अकेडमी पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टारगेटेड बैच है SSC को लेकर, SSC 2020-21 में अगर आपको अपना करियर बनाना है। इसके अलावा दोस्तों बूस्टर 7000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका टाइमिंग भी ध्यान रख लीजिए, ये भी आज 21 दिसंबर से फिर से चालू हो रही है, और तब तक चलेगी जब तक हमारा फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, CBT 2 तक का एग्जाम नहीं हो जाता, ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता। तो अगर ज्वाइन करना है तो दोस्तों आज ही Deepu10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लीजिए। सभी टीचर्स की सभी क्लासेस, उनके मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन विद PDF मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इस रेफरल कोड के माध्यम से, सभी टीचर्स की सभी क्लासेस, ओके गाइस। तो कैसे ज्वाइन करना है उससे पहले ये देख लें, आज रात को धमाकेदार क्लास होने वाली है अपनी, ठीक है, कहां पर? SSC कैटेगरी के अंदर। रेलवे कैटेगरी में अब नहीं होंगी वो क्लास, सारी की सारी क्लासेस अब वो किस पर होंगी? आपकी SSC कैटेगरी में होंगी, ठीक है गाइस। कैसे ज्वाइन करना है बैच को देख लीजिए फटाफट से, आप लोग Deepu10 कोड लगाएंगे पर कहां और कैसे ये देखिएगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप लोग सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद में आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? लॉगिन कर लेंगे, है ना। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को अपना गोल सेलेक्ट करना है, आप लोगों का जो गोल होगा, है ना, लॉगिन करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों का गोल क्या है? रेलवे एग्जाम कैटेगरी गोल है तो रेलवे एग्जाम कैटेगरी, SSC एग्जाम कैटेगरी गोल है तो SSC एग्जाम कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर लिखी हुई आ जाएगी, फिर आप नीचे जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल्स निकल कर आएंगे। आप 6 महीने 12 महीने 24 महीने में से कोई सा भी एक मॉड्यूल ले सकते हैं। 24 महीने का मॉड्यूल सबसे सस्ता पड़ता है, और अगर आपके लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं है तो आप 24 मंथ के मॉड्यूल पर जा सकते हैं। मात्र ₹10 पर डे के हिसाब से आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों 31 दिसंबर के बाद में बैच की प्राइजेस भी बढ़ने वाली है, तो 31 दिसंबर के बाद में प्राइजेस बढ़ जाएगी। इससे अच्छा ये है कि 31 दिसंबर से पहले पहले ही हम लोग इस बैच को ले लें और कंटिन्यू करें, और पहले दिन से ही क्लास ज्वाइन करें जो कि आज से चालू हो रही है, ठीक है। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर दीजिएगा। ओके गाइस, क्लॉक चैप्टर जाके देखिए, आराम से देखिए, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा जो भी आप पढ़ना चाहते हो, चाहे क्लॉक, कैलेंडर, घड़ी, कोड, डिकोड हो, कुछ भी हो, ठीक है। कैसा भी टॉपिक हो आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। 350-400 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, ठीक है, सभी टॉपिक्स के, इतनी बार रिविजन करवाया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी आपको, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। मिलते हैं शाम को 6:30 बजे मॉक टेस्ट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।